दोस्तों फाइनली हम एंटर हो चुके हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी, और अभी हमारा टाइम जो है 12 बजे से है, तो अभी हमें समय है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये जिसका हमें इंतजार था वो पल आ गया है। स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मारक, जो कि नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। आज विस्तृत यात्रा में हम बात करेंगे कि हम यात्रा कैसे करें। आप जैसे ही केवड़िया रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं, वहाँ से आपको स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए बस उपलब्ध होंगी। बस की टिकट और स्टेचू ऑफ यूनिटी की टिकट आपको ऑनलाइन बुक करानी होगी, क्योंकि कोविड के कारण ऑफलाइन बंद है। दोस्तों स्टेचू ऑफ यूनिटी चर्चा का विषय हमेशा इसलिए रही है क्योंकि 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर स्टेचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कर उसे देश को समर्पित किया है। यह पूरे विश्व की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जा रही है। मुख्य बिंदु ये हैं कि ये जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है, ये दोस्तों मात्र 33 महीनों में बनकर तैयार हुई है और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। जैसे ही हम केवड़िया से आगे बढ़ते हैं, आपको शानदार रोड से मूर्ति जो है दूर से ही नज़र आने लगेगी। दोस्तों आप देखिए वीडियो में, आपको मूर्ति नज़र आ रही है, और जिसके लिए ये वो पल है जिसका आपको इंतज़ार रहता है यहाँ केवड़िया जाने के बाद। आप देखिए, ये हम मूर्ति के बैक साइड पीछे की ओर हैं। हमें मूर्ति के पास जाने के लिए आगे की ओर जाना पड़ेगा। ये जो शूट है हमने बस में आगे खड़े होकर किया है। आप देखिए प्रतिमा, भव्य प्रतिमा भारत में स्थित है। ये केवड़िया गुजरात में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दोस्तों स्टेचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप बाय बस भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं। अगर आप बाय प्लेन आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वडोदरा तक फ्लाइट उपलब्ध है। आप अपने निजी वाहन से भी स्टेचू ऑफ यूनिटी आ सकते हैं। हम नज़दीक आ गए हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी के, जहां हम आपको सारी जानकारी देंगे। दोस्तों फाइनली हम एंटर हो चुके हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी, और अभी हमारा टाइम जो है 12 बजे से है, तो अभी हमें समय है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये जिसका हमें इंतज़ार था वो पल आ गया है। दोस्तों आप देखिए, आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसमें आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल नज़र आ रहे हैं। दोस्तों इस स्टेचू में लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, जिससे पर्यटक प्रतिमा के हृदय स्थल तक जा सकेंगे। यहाँ एक गैलरी बनी हुई है जहाँ एक साथ 200 पर्यटक खड़े होकर सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों से घिरे नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध और वहाँ स्थित फूलों की घाटी का नज़ारा भी देख सकेंगे। वीडियो में आप देखिए, आपको अंकल जी नज़र आ रहे हैं। अंकल जी का एक सपना था कि उन्हें विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी जाना है, और कोविड के चलते वो आ नहीं पा रहे थे, लेकिन लगभग एक वर्षों के बाद उनका सपना सच हुआ और हम और सोनू भाई और अंकल जी, हम तीनों मिलकर स्टेचू ऑफ यूनिटी पहुंच गए, जहां से हम आपको स्टेचू ऑफ यूनिटी की सारी जानकारी दे रहे हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, देखिए शानदार दृश्य दिखाई दे रहा है स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए। यहाँ हमने फ़ोटो सेशन किया, और अब आपको देखिए आगे जिस क्षण का हमें इंतज़ार था वो प्रतिमा नज़र आने लगी है। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई हैं, और ये लिफ्ट जो है लगभग 1 किलोमीटर में है, जहाँ आपको खड़े होना होता है और आपको लिफ्ट आगे की ओर ले जाती है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेचू ऑफ
यूनिटी के अंदर। आप देखिए दोस्तों क्या व्यवस्थाएं हैं स्टैचू के अंदर। हम लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर हैं, हम लिफ्ट द्वारा अंदर आए हैं। आप देखिए क्या स्टैचू किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से यहाँ सब कुछ है, और यहाँ स्टाफ जो है वो ऊपर तक जा सकता है। सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है। मूर्ति में अगर कुछ भी परेशानी होती है तो कंप्यूटर से हमें पता चल जाता है। आप देखिए यहाँ से हमें नीचे नर्मदा नदी नज़र आ रही है, और वहीं सामने सरदार सरोवर बांध भी नज़र आ रहा है। आप देखिए हम स्टैचू पर 165 मीटर की ऊंचाई पर हैं। सरदार साहब की जैकेट की सेकंड बटन पर हैं हम। यहाँ साकब भी लगाए गए हैं, और बहुत ही मजबूत तरीके से मूर्ति का निर्माण किया गया है। आइए गाइड को जानते हैं। ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा। अभी हम दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े हैं। दोनों साइड बाहर निकला पोर्शन, आउटर पार्ट उनके शॉल का पोर्शन है। स्टैचू बनाने में 85% कॉपर, 55% जिंक, टिन और लेड का उपयोग किया है। स्टैचू के आर्किटेक्ट है डॉक्टर राम वी सुथार, जो महाराष्ट्र के धुले जिले के गोंडुर गाँव के रहने वाले हैं। स्टैचू को बनाने में लगे थे सिर्फ 46 महीने, 46 मंथ्स। इसका कंस्ट्रक्शन L&T कंपनी ने किया है। आप नीचे म्यूजियम से आए स्टैचू की हाइट वहीं से गिनने में आई है, जो है 182 मीटर, 182 मीटर। जो राइट साइड पर आप देख रहे हैं सातपुड़ा पर्वतमाला, लेफ्ट साइड पे विंध्याचल पर्वतमाला। दोनों पर्वतमाला के बीच में सरदार सरोवर डैम, जिसमें बहती है नर्मदा नदी। अभी आपको नीचे जाना है म्यूजियम में, और फिर उनके पैरों पे जाना है। आपके टिकट में इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट। आप लिफ्ट में आए, आप सिर्फ 38 सेकंड में 45 फ्लोर पे आ रहे हैं। ऊपर और 15 फ्लोर है, 150 फीट है, 47 मीटर है, सिर्फ मेंटेनेंस वाले ऊपर जाते हैं। अभी आपको नीचे जाना है म्यूजियम में, और फिर उनके पैरों पे जाना है। आपके टिकट में इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों हम मूर्ति से देखते हैं जहाँ सरदार सरोवर बांध नज़र आ रहा है, वहीं ये वो बस स्टैंड है यहाँ हम लोगों ने बस को छोड़ा था, और फिर हम वहाँ से आगे बढ़कर आए थे। और आप देखिए ये जो है वो पॉइंट है, यहाँ से हमने वीडियो की स्टार्टिंग की थी, और यहाँ से मूर्ति से आपको सब कुछ जो है छोटा ही नज़र आने वाला है। आज इस पल को हम बहुत अच्छा महसूस आप देखिए कि कैसे इस भव्य प्रतिमा को बनाया गया है, मजबूती दी गई है। आप देखिए बिल्कुल हर पार्ट से यहाँ कंप्यूटराइज है, अगर कोई भी एरर या कुछ आता है तो यहाँ पे पता चल जाता है। दोस्तों इस प्रतिमा के अंदर सरदार पटेल का म्यूजियम भी तैयार किया गया है, जिसमें सरदार पटेल की स्मृति से जुड़ी हुई चीज़ें रखी गई हैं। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पटेल जयंती के अवसर पर देश के युवाओं के लिए रन फॉर यूनिटी नामक दौड़ का आयोजन भी होता है। आप देखिए यहाँ पे हम हमारा फीडबैक दे रहे हैं, तो मैं जो है स्क्रीन पर सब कुछ अपना नाम एड्रेस टाइप कर रहा हूँ, और आपको ये डिटेल्स जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए फीडबैक देने के लिए आप देखिए स्क्रीन पर होगा, हम तीनों के नाम यहाँ नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखिए मेरा नाम विजय गोस्वामी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैं अपना फीडबैक दे चुका हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। आप देखिए ये वो स्थान है जहाँ पर टिकट्स दिखाई जाती हैं म्यूज़ियम के अंदर, और फिर हम स्टैचू की चेस्ट पर जाते हैं जहाँ हमें लिफ्ट द्वारा जाना होता है। 165 मीटर लगभग हमें ऊपर जाना होता है स्टैचू ऑफ यूनिटी में। आप देखिए यहाँ आपको बहुत सारे पक्षी, फल और बहुत सारी जानकारियाँ जो कि म्यूज़ियम के अंदर हैं दिखाई दे रही हैं। ये आपको पलाश के फूल नज़र आ रहे हैं, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी। और उस क्षेत्र के जो समाज हैं, समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। ये बसावा जो गुजराती लोग हैं
उन लोगों को वहाँ देखा हमने। दोस्तों आपको देखिए हथौड़ा नज़र आ रहा है, ये हथौड़ा वो हथौड़ा है जिसकी शुरुआत मूर्ति के रूप में पहले लोहे के लिए की गई थी। आप देखिए सरदार पटेल साहब को यूं ही लोह पुरुष नहीं कहा जाता, लोहे के द्वारा एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। म्यूजियम के अंदर आप देखिए आपको सरदार पटेल जी की बहुत सी प्रतिमाएं नज़र आएंगी। इस प्रतिमा की सबसे खास बात यह है आपको आँखें नज़र आ रही हैं, जो आपको लग रहा होगा कि ये आँखें हैं, किंतु ये आँखें नहीं, उतनी जगह जो है वो खाली है। आप देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फीडबैक दिया गया था। दोस्तों ये सरदार साहब का फेस है, यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर जो लोग आते हैं म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटो सेशन कराते हैं, सरदार साहब के जीवन के बारे में जानने का मौका उनको मिलता है। दोस्तों आप देखिए यहाँ विश्व की सभी प्रतिमाएं हैं, जिसमें सबसे ऊंची प्रतिमा हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। अब हम प्रतिमा के पास जाने के लिए लिफ्ट का यूज़ कर रहे हैं, लिफ्ट द्वारा प्रतिमा तक पहुंचा जाता है, फिर हम आपको वहां से भी कुछ नज़ारे दिखाएंगे। आप देखिए नर्मदा नदी बहुत ही प्यारी नज़र आ रही है, माँ नर्मदा के तट पर स्थित स्टेचू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। हम सरदार सरोवर साहब के पास पहुंच चुके हैं, जहां से मैं आपको मूर्ति दिखा रहा हूं। आप मूर्ति देखिए, बहुत ही विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। हम लोग जो हैं उनकी चप्पल के सॉल जो होता है उसके बराबर नज़र आएंगे आपको। वहां तक पहुंचने के लिए हमें लिफ्ट का यूज़ करना है। देखिए हम लिफ्ट पर चढ़ चुके हैं, यहाँ से सरदार साहब बहुत विशाल नज़र आ रहे हैं, जैसा उनका जीवन है वैसी ही ये मूर्ति है। आप देखिए यहाँ से आपको लोग कितने छोटे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों आज हमने सरदार पटेल जी की मूर्ति, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, उसके बारे में जाना। और आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको और भी वीडियो और भी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।